आप देख रहे हैं शेखावटी की खास खबरें। पतंग मांझे से घायल पक्षियों का होगा इलाज। मकर संक्रांति पर तापड़िया बगीचे पर लगाया जाएगा शिविर। रात 8 बजे तक घायल पक्षियों का कोई भी यहां पर करवा सकेगा इलाज। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस की बैठक। आगामी तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। जिले के 2 ही विधायक पहुंचे बैठक में। अंचल में लोहड़ी का पर्व मनाया गया बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। सिंधी पंजाबी परिवारों की ओर से लोहड़ी की दी गई शुभकामनाएं। जिला कलेक्टर ने एसके अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के लिए बैठक। अस्पताल में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए दिए निर्देश। सदर थाना पुलिस की कार्रवाई, 2 चोरों को पकड़ा। चौधरी तेल उद्योग में पूर्व कर्मचारियों ने ही की थी चोरी। सीकर के नोबल केयर हॉस्पिटल में कैंसर रोग से जागरूकता के लिए हुआ सेमिनार का आयोजन। डॉक्टर महेश राव ने आमजन को किया कैंसर रोग के प्रति जागरूक। लियो क्लब सीकर डिलाइट का भी रहा सहयोग। सीकर में चोरी की वारदातों के बाद फरार मास्टरमाइंड चोर को पुलिस ने पकड़ा। ढोडसर स्टैंड पर प्रेमिका से मिलने आया था चोर। राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अर्चना बिलोनिया को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग। रेगर समाज विकास समिति की ओर से किया गया सम्मान। कुमार कुमावत समाज का सीकर में होगा सामूहिक विवाह। समाज के लोगों की हुई बैठक। फरवरी माह में युवक युवती परिचय सम्मेलन और अप्रैल में होगा सामूहिक विवाह। डूंडलोद में इत्तेहादुल मुसलमान सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान को लेकर युवाओं में रहा खासा उत्साह। फतेहपुर के राजकीय धानुका अस्पताल में एमआरएस की बैठक। सदस्यों ने व्यवस्थाओं में सुधार के लिए दिए सुझाव। वार्ड बॉय सहित खाली पदों पर भर्ती की रखी मांग। सीकर एसपी ने फतेहपुर के सदर और कोतवाली थाने का किया निरीक्षण। अधिकारियों से ली जानकारी। पीड़ित की सेवा के लिए दिए निर्देश। फतेहपुर में स्काउट चीफ मोतीराम महिजा का सम्मान। 30 वर्षों तक स्काउट में सेवा देने पर किया गया सम्मान। फतेहपुर में फिर चोरी की वारदात। दुकान से 51 कट्टे खल के चोरी करके ले गए चोर। धोद विधायक परसराम मोर्दिया का क्षेत्र में किया गया नागरिक अभिनंदन। मोर्दिया ने ग्रामीणों का किया धन्यवाद। राधा किशनपुरा साईनाथ मंदिर में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन। श्रद्धालुओं ने लिया प्रसाद। झुंझुनू में प्रभारी मंत्री परसादीलाल मीणा ने कांग्रेस जनों के लिए बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का टटोला मन। झुंझुनू में बेसहारा गोवंश को संरक्षण देने के लिए गोपाल गौशाला की ओर से नंदीशाला का कराया गया निर्माण। छात्र संगठन एसएफआई का फरवरी माह में 3 दिवसीय राज्य अधिवेशन। झुंझुनू में होगा अधिवेशन का आयोजन। शेखावटी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए शेखावटी अब तक चैनल, शेखावटी अब तक के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर।